नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण अवमानना केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन मंगलवार को भी कोई फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। चलिए आपको बताते हैं सुनवाई के दौरान क्या दलील दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ट्वीट करके फंसे प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने को कहा था, लेकिन प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगी। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने सजा नहीं देने की मांग की। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने सजा नहीं देने की मांग की। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि इनको क्षमा कर देना चाहिए, इस बार भी आपके इस कदम की तारीफ करेगा। इन्होंने कई अच्छे काम भी किए हैं, फूड सिक्योरिटी, मजदूरों के लिए, बुनियादी अधिकारों के लिए। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण का ट्वीट अनुचित था। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अपने ट्वीट्स के औचित्य में दिए गए प्रशांत भूषण के जवाब निराशाजनक और अनुचित थे। आपको सहनशील होना होगा। आप देखें कि अदालत क्या कर रही है और क्यों कर रही है। सिर्फ हमला मत करिए। जज खुद का बचाव करने या समझाने के लिए प्रेस के पास नहीं जा सकते। क्या लोग हमारी आलोचना नहीं कर रहे हैं? इतने लोग हमारी आलोचना करते हैं, लेकिन हमने कितने लोगों को दोषी ठहराया या सजा दी है? वहीं प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रशांत भूषण को शहीद ना बनाएं। बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने और कल्याण सिंह के जेल जाने के बाद लोग उनकी प्रशंसा करने लगे थे। कृपया उन्हें यहां शहीद ना बनाएं। राजीव धवन ने कहा कि अगर भूषण को सजा हुई तो ये न्यायपालिका के लिए काला दिन होगा। प्रशांत भूषण ने एक वकील के तौर पर न्यायपालिका और देश के लिए बहुत सेवाएं दी हैं। उनका योगदान बहुत है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को फिर से उन आरोपों के बारे में सोचने के लिए कहा और अगर वो चाहते हैं तो अपना बयान वापस ले सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई 30 मिनट बाद फिर से शुरू हुई, लेकिन उन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया। ऐसे में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले भी प्रशांत भूषण की एक और अवमानना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी और अगली तारीख 10 सितंबर मुकर्रर की गई है। ये अवमानना का मामला साल 2009 का है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।